विकासखंड बिस्वा में निराश्रित गौवंशियों से परेशान ग्रामीणों ने गौवंशियों को पकड़कर उन्हें पंचायत भवन में बंद कर दिया। पंचायत भवन में बंद किए जाने की सूचना के बाद अधिकारियों में हाहाकार मच गया। किसानों ने पंचायत में गौवंश बंद करने के बाद उसे ताला भी जड़ दिया। किसानों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी अकड़ दिखाते हैं, जबकि असलियत कुछ और है। यहाँ पर क्षेत्र में निराश्रित गौवंशियों की भरमार है, जो दिन रात फसलों की तबाह करने में जुटे हुए हैं, जबकि अधिकारी आने वाले मंत्रियों को बताते हैं कि सभी निराश्रित गौवंश गौशाला में हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मामला विकास खंड के बिस्वा ग्राम पंचायत पुरैनी गांव का है, जहां यहां के लोग काफी दिनों से जानवर से परेशान थे। झुंड के झुंड जानवर खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे। गुरुवार को गांव के भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। इसके बाद आसपास के खेतों में पड़े जानवरों को इकट्ठा किया गया। इसके बाद उन्हें गांव के पंचायत भवन में लाकर बंद कर दिया गया। वहीं गांव के किसानों ने बताया कि इस समय गेहूं की फसल के साथ ही सरसों गन्ना सब्जी की खेती को जानवर भारी नुकसान पहुंचा रहे। शासन ने कई जगह अस्थायी व स्थायी रूप से गौशालाएं बनवाई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जानवर खेतों में घूमते रहते हैं, जिससे फसलों को अधिक नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है, जब तक जानवरों को गौशाला नहीं भिजवाया जाएगा, तब तक जानवरों को पंचायत भवन में ही बंद रखा जाएगा। हम लोगों ने जानवरों को पंचायत भवन में बंद किया है, क्या मामला, किस वजह से बंद किया? सारी फसल चर गए हैं, कहूँ कोई तरह बचा कुछ नहीं है। कर्जा लेकर हम लोग फसल में पैसा लगाते हैं, कहाँ से कर्जा अदा करें, कहाँ से? क्या आप लोगों ने इसकी शिकायत जिम्मेदारों तक है कि यहाँ पर जानवर छुट्टा है, गौशाला में नहीं बंद कराए गए? बहुत बार कहा गया, कोई सुनता नहीं है। कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? ये पुरैनी। क्या नाम है आपका? सरजीत सिंह। सरजीत सिंह,